जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था, इसी महीने में मोटो S30 प्रो लॉन्च हो जाएगा। देख लो यार, डेट आ गया, आज अगस्त के 11 तारीख को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा मोटो रेजर 2022 और मोटो X30 प्रो के साथ। और यकीन मानो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये स्मार्टफोन बहुत ही अमेजिंग होगा। देख सकते हो रेंडर्स में, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि मोटो G32 के जैसे दिखाई दे रहा है। तो क्या हो गया, कर्व डिस्प्ले तो अपने को मिल जाता है और फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस अपने को देगा। और ये स्मार्टफोन रूमर्स की मानो तो इंडिया में 40,000 रुपए के अंदर में लॉन्च होगा। अगर ये 35-37,000 रुपए के आसपास लॉन्च हो गया ना यार, मजा आ जाएगा। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस आपको बता चुका हूं मैं, फिर भी साइड में देख लो, आपका भाई आपको दिखा देगा। वैसे आप बताओ, आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो? रूमर्स की मानो तो इंडिया में और ग्लोबली ये स्मार्टफोन मोटो H30 फ्यूजन नहीं तो मोटो H30 लाइट के नाम से लॉन्च होगा। पहले किसी भी नाम से लॉन्च हो जाए, बस लॉन्च हो जाए, जल्द से जल्द दिवाली के आसपास तक आ जाएगा। आई होप सो। Xiaomi के जो हेड है ली जुन सर, उनका एनुअल स्पीच इवेंट होने वाला है। इसका डेट आ चुका है, अगस्त के 11 तारीख को हो जाएगा और ये इवेंट काफी इंटरेस्टिंग होता है यार। ली जुन सर Xiaomi के जो भी अपकमिंग प्लान्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो उसके अपकमिंग प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं, प्रोटोटाइप और भी बहुत सारी चीजों को वो एक्सप्लेन करते हैं। Mi Mix Fold को भी इसी इवेंट में वो अनाउंस कर देंगे और भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली चीजें होंगी। अब देखते हैं ली जुन सर इस बारी एनुअल स्पीच इवेंट में क्या क्या करते हैं। कुछ अगर अपडेट्स आएंगे तो आपको बताता रहूंगा मैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था पिछले महीने, Realme Watch 3 Pro भी एग्जिस्ट करता है। बहुत ही जल्द ये स्मार्ट वॉच लॉन्च हो जाएगा। देख लो, ऑफिशियल पोस्टर्स आने लग गए हैं। कल परसों तक लॉन्च डेट भी पता चल जाएगा। जैसे लॉन्च डेट पता चलेगा बताऊंगा। और ये काफी इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉच होगा, वेट करो इसके लिए। Vivo का एक एंटी लेवल का स्मार्टफोन है Vivo Y01A, ये बहुत ही जल्द इसी हफ्ते तक लॉन्च हो जाएगा। इसके ऑफिशियल लाइव इमेजेस और पोस्टर्स वगैरह आ चुके हैं, स्पेसिफिकेशंस भी आपको दिखा दूंगा, देख लेना। बस फॉर्मेलिटी ये पूरा कर रहा हूं क्योंकि Vivo के बजट के फोन तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, देख सकते हो उसको। Lenovo Legion Y70, Lenovo का अपकमिंग प्रीमियम फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन, इसका टीजर बाहर आ चुका है। वैसे ये स्मार्टफोन इसी हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा चाइना में। जैसे लॉन्च होगा इसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। और ये बहुत ही अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन होगा। देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, वैसे आप बता रहे आपको देखने में कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि दो कैमरा पहले देना था, फिर याद आया नहीं यार 3 कैमरा दे देते हैं, फिर नीचे एक और कैमरा लगा दिए। OnePlus 8 Pro कह लो या फिर OnePlus 10T, ये स्मार्टफोन अगस्त के 9 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, यानी कि कल। इसके बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो ऑलरेडी ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। और इसको बिल्कुल मत खरीदना। देखो यारो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस साल के एंड से नहीं तो अगले साल से ओप्पो अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, जैसे कि रोलेबल स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, अपने फ्लिपेबल फोन को लॉन्च करेगा, फोल्डेबल फोन को लॉन्च करेगा, ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। तो उनके जो नाम है ना, वो धीरे धीरे ट्रेडमार्क करवाते हुए जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बताया था ओप्पो फाइंड एन फोल्ड, ओप्पो फाइंड एन फ्लिप, ये दो फोन्स के नाम को ट्रेडमार्क करवा दिया था। आज कुछ और नाम को ट्रेडमार्क करवाया, देख लो, जो कन्फर्म कर देते हैं। फाइंड एंड रोल हो गया, अब ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन हो गया, पॉकेट हो गया, मतलब कि इसके जितने भी इंटरेस्टिंग फोन्स हैं जो प्रोटोटाइप बना के ओप्पो दिखाता था, अब उनको कमर्शियली अवेलेबल करना चालू करेगा अगले साल से, जो काफी इंटरेस्टिंग बात है, ऑसम बात है। देखो यारो, अगले महीने के मिड तक आईफोन 14 सीरीज के आईफोन्स लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन इसका जो रिकॉर्डिंग है, शूटिंग है, आज से चालू हो चुका है। इस महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और अगले महीने अपने को लाइव स्ट्रीम देखने को मिलेगा। और तुम लोगों को पता है, इसी वजह से अपने को ऑफिशियल लाइव इमेजेस देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि तरह तरह के लाइव इमेजेस आने लग जाएंगे नए आईफोन्स का, ठीक है। Samsung Galaxy Z Fold 4 और Samsung Galaxy Z Flip 4 के HD लाइव इमेजेस आ चुके हैं। और यकीन मानो यार, इस बारी जो Fold 4 दिखाई दे रहा है ना यार, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका जो कलर रखने का स्टाइल है ना Samsung का, इस बारी सबका दिल जीत लेगा। और हम लोगों को ऐसे ही वर्जन में कलर देखने को मिलेंगे, रेड देखने को मिलेगा, ग्रीन देखने को मिलेगा और ब्लू को देख के तुम लोग अंदाजा लगा लोगे कि बाकी कलर्स कैसे दिखाई देंगे। और अपना जो Flip 4 है, ऑलमोस्ट Flip 3 के जैसे ही दिखाई देगा, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन मेरे को ना Fold 4 काफी अच्छा लगा। वैसे आप बताना, आपको ये जितने भी लाइव इमेजेस है देखने में कैसे लग रहे हैं और आप खरीदोगे दोनों में से किसी भी फोन को, आपका प्लान है? Samsung Galaxy S23 सीरीज के स्मार्टफोन्स का फर्मवेयर डेवलपमेंट चालू हो चुका है, जिससे अपने को पता चलता है कि Samsung Galaxy S23 Ultra का नाम Samsung Galaxy S23 Ultra ही रहेगा, ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। इसका कोड नंबर है DM3। तो भैया, अगले साल के मार्च का इंतजार करो, Samsung का अनपैक्ड इवेंट होगा जहां पर S सीरीज के नए फोन्स लॉन्च होंगे।
देखो यारो, अभी तो ओप्पो रेनो 8 सीरीज के अंदर में बहुत सारे लॉन्च होंगे। ओप्पो रेनो 8A लॉन्च होगा, ओप्पो रेनो 8K लॉन्च होगा और न जाने क्या क्या। तो ओप्पो रेनो 8 4G भी बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा, उसका ऑफिशियल रेंडर बाहर आ चुका है। आप इसको ओप्पो रेनो 7 4G कह सकते हो और इसी को ओप्पो रेनो 8 4G बना के ओप्पो लॉन्च कर रहा है। वेल, ये ओप्पो का स्टाइल पुराना है, ओप्पो रेनो 7 लाइट को 8 लाइट बना के लॉन्च किया। तो भाई एक ही फोन को वो अलग अलग नाम से लॉन्च करता ही रहता है, वो सक्सेसर्स नहीं निकालता है। यही ओप्पो रेनो 7 लाइट है ना, इसको भी 8 लाइट बना दो। यही ओप्पो रेनो 7 4G था ना, इसी को ही 8 4G बना दो। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये स्मार्टफोन इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अब किस नाम से लॉन्च हुआ है मुझे कमेंट करके तुम लोग बताओ। Vivo V25 सीरीज के स्मार्टफोन्स अब Flipkart पे लिस्ट हो चुके हैं, अगस्त के 17 तारीख नहीं तो 18 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। दो ही फोन अभी लॉन्च होंगे, V25 और V25 Pro। और प्राइसिंग की बात कर ले, कई बार बता चुका हूँ, ओप्पो रेनो 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स का जाके प्राइस देख लो, उसी के आसपास ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। देखो यारो, मानो या ना मानो, मार्वल के फेज 4 में सबसे अच्छा भी जो करंटली सुपर हीरो जो सबको पसंद आया है ना, वो मून नाइट है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, हमारे ऑस्कर आइज़ैक भाई इसका रोल कर रहे हैं और ऊपर से यार मून नाइट का स्टाइल ही बहुत बेस्ट है। कॉमिक अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन यारो, इसके सीजन 2 को लेके हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, आएगा कि नहीं आएगा। जब केविन फाइजी फेज 5 फेज 6 को अनाउंस किए थे तो मून नाइट का कहीं भी नामो निशान नहीं था, लेकिन आज मून नाइट के जो डायरेक्टर है ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं इसका सीजन 2 आ रहा है, अभी काम चालू हो चुका है। ये जो टाइटल दिखाया हूं ये ऑफिशियल टाइटल नहीं है, ऑफिशियल टाइटल कुछ और होगा, लेकिन सीजन 2 कंफर्म हो चुका है और हमारे ऑस्कर आइज़ैक भी बोल चुके हैं। तो खुश हो जाओ यार, 12 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, 12 एपिसोड्स। Redmi Pad 5G आज Geekbench पे पकड़ा गया है और जानते हो कौन सा प्रोसेसर है? Qualcomm Snapdragon 870, 8GB RAM, Android 12। तो ये जो टैबलेट है एक फ्लैगशिप टैबलेट होगा और बहुत ही जल्द ये इसी महीने लॉन्च हो जाएगा, सोर्सेस तो यही कह रहे हैं। कुछ अगर पता चलता है तो बताता हूँ। वैसे Redmi का एक टैबलेट का लाइव इमेज आया था, मुझे नहीं लगता कि ये वाला Redmi Pad 5G है, ये कोई और लगता है मेरे को। Realme 9i 5G के HD लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो आपको ये स्मार्टफोन ऐसा दिखाई देगा। मानना पड़ेगा स्मार्टफोन देखने में काफी औसम लग रहा है। हाँ पता है प्लास्टिक बैक के साथ आएगा, लेकिन लग रहा है ना ग्लास बॉडी है, लेकिन ग्लास नहीं है प्लास्टिक है। आप इस स्मार्टफोन को कह सकते हो कि Realme Narzo 50 5G को एक नए बॉडी के साथ और एक नए डिजाइन के साथ लॉन्च किया जा रहा है। वैसे Realme का तो यही स्टाइल है, क्या कर सकते हो। नोकिया अगले महीने फुल स्वैग में होगा क्योंकि वो अपने बहुत सारे लैपटॉप्स को लॉन्च करेगा। नोकिया प्योर बुक सीरीज के अंदर में बहुत सारे नए नए लैपटॉप्स आने वाले हैं, ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन को क्लियर भी कर चुके हैं, मॉनिटर्स भी कंफर्म हो चुके हैं, देख लेना बहुत सारे हैं यार। आई होप सो सही प्राइस पे लॉन्च करे, मजा आ जाएगा। इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 HD आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में, 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज इसका बेस वेरिएंट है, जिसका प्राइस है 6,800 रुपए। अब 6,800 रुपए के स्मार्टफोन से हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छे स्पेसिफिकेशन दे देता है। लेकिन बस एक कमी मेरे को दिखाई दिया, एटलीस्ट 3GB रैम यहाँ पर होना चाहिए था। टेक्नो कैमन 19 प्रो 5G ये स्मार्टफोन अगस्त के 10 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। वेल, अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में या फिर टेक्नो कैमन 19 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो सभी स्मार्टफोन्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब पता चल जाएगा। व्हाट्सएप दोस्तों बहुत ही अमेजिंग फीचर के ऊपर काम कर रहा है। देखो यारो, जब भी आप किसी ग्रुप में ज्वाइन किए रहते हो तो आपका नंबर शो किया रहता है, कोई भी बंदा आपके नंबर से कांटेक्ट आपको कर सकता है, आपके नाम के नीचे आपका नंबर दिखाई देता है। लेकिन अब से आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने नंबर को छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो ये फीचर काफी अच्छा फीचर है, अभी बीटा टेस्टिंग में है, बहुत ही जल्द स्टेबल वर्जन पे रोल आउट हो जाएगा। ये वाला अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस है, ध्यान से सुनना। देखो यारो, हमारे इंडिया में 12,000 रुपए और 12,000 रुपए के नीचे जो स्मार्टफोन्स मिलते हैं ना आपको, ज्यादातर चाइनीज ब्रांड्स ही अपने फोन्स को लॉन्च करते हैं। 12, 11, 10, 9, 8 देखे होगे यार, आप तो सब कुछ जानते हो। और ज्यादातर लोग जो होते हैं हमारे इंडिया में 10,000, 11,000, 12,000 रुपए इन सारे स्मार्टफोन्स को ज्यादातर खरीदने की कोशिश करते हैं, इस प्राइस रेंज वाले स्मार्टफोन्स को, और बिकते भी बहुत ज्यादा है 12,000 रुपए के नीचे और 12,000 रुपए तक के स्मार्टफोन्स। तो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है ना यार, वहां पर डिस्कशन चल रहा है कि 12,000 रुपए और 12,000 रुपए से नीचे जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो अपने फोन्स को लॉन्च करते हैं, उनके फोन्स को बैन किया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। किस लिए? ताकि जो हमारा इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड्स जितने भी अलावा माइक्रोमैक्स या फिर और भी जो आने वाले टाइम में नए इंडियन ब्रांड्स आएंगे स्मार्टफोन ब्रांड्स, उनको प्रमोशन मिल सके, उनको प्रमोट कर सके, उनको और भी ज्यादा प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो अपने फोन्स को लॉन्च करें 12,000 रुपए के नीचे में। देखो यारो, अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी कोई ज्यादा बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, अभी बातचीत चल रहा है। वैसे आप बताना आपका क्या रिएक्शन है, ओपिनियन है,
इस न्यूज को लेकर कमेंट करके जल्दी से बताना। और इंडिया में ज्यादातर लोग तो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को यूज करते हैं, इससे सैमसंग, एप्पल, इन सारे ब्रांड्स को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने ज्यादातर फोन्स को महंगा ही लॉन्च करते हैं। इनके इतने फोन्स हैं नहीं 10-12 हज़ार रुपए के रेंज में, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एप्पल का तो कोई भी नहीं है, सोच के देखो। ये वाला अपडेट आप पक्का सुने होंगे कि OnePlus अपने स्मार्टफोन्स में अलर्ट स्लाइडर वापस लेके आने वाला है। वेल, ये जो न्यूज है ना, 5-6 महीने पुराना न्यूज है। मैं आपको बताया भी था कि OnePlus खुद ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपने सारे स्मार्टफोन्स में अलर्ट स्लाइडर नहीं देगा, वो अपने प्रीमियम फ्लैक्सी फोन्स में अलर्ट स्लाइडर देगा, जैसे कि OnePlus 10 Pro टाइप के जो फोन्स होंगे। इनफैक्ट ओप्पो भी कह दिया था कि वो अपने प्रीमियम फ्लैक्सी फोन्स में अलर्ट स्लाइडर देगा। ओप्पो Find X5 सीरीज के स्मार्टफोन्स को देख लो, वैसे वैसे स्मार्टफोन्स में आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाएगा। और ऐसा इसलिए हुआ ना, देखो यार, ओप्पो का जो प्रीमियम फ्लैक्सी फोन है कभी कभी OnePlus रीब्रांड मार देगा, OnePlus का जो प्रीमियम फ्लैक्सी फोन है कभी ओप्पो रीब्रांड मार देगा, और जो Realme के प्रीमियम फ्लैक्सी फोन आएंगे ना, वहां पर भी आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलेगा। तो भाई ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। और OnePlus अभी अपने सारे स्मार्टफोन्स में अलर्ट स्लाइडर नहीं देगा, वो अपने प्रीमियम फ्लैक्सी फोन में अलर्ट स्लाइडर देगा। और OnePlus से Nord अब अलग होने वाला है, तो Nord के स्मार्टफोन्स में आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि OnePlus Nord 3 हो गया या फिर उसका जो भी नाम हो। Elon Musk के सर पराग अग्रवाल सर को, जो ट्विटर के CEO हैं, उनको ओपन चैलेंज दे दिया है कि चलो हम दोनों आपस में बैठ के लाइव सबके सामने डिबेट करते हैं, सारे अपने जितने मुद्दे उनके ऊपर बातचीत करते हैं, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। वेल, अभी तक तो पराग अग्रवाल सर के तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, जैसे कुछ पता चलता है तो बताता हूँ। वैसे आप बताओ आपके क्या रिएक्शन से ओपिनियंस है। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमें अपना ख्याल देखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।